subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. महाराष्ट्र चेंबर हाउसिंग इंडस्ट्री नवी मुंबई रायगड अँड युथ असोसिएशनच्या वतीने कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या व्यक्तींनी रात्रंदिवस काम केले आहे त्या कोरोना योद्धांचा सन्मान करणे गरजेचे आहे. या कोरोना योद्धांचा 27 मेला नवी मुंबई रत्न अवॉर्ड देऊन अशा व्यक्तींच्या हस्ते सन्मानित करण्यात येणार आहे की त्यांना त्यांचा अभिमान वाटेल. तसेच या अवॉर्ड बद्दल अधिक माहिती लखानी ग्रुपचे चेअरमन तथा क्रेडाई MCHI नवी मुंबईचे अध्यक्ष विजय लखानी यांनी सांगितले. नवी मुंबई रत्न अवार्ड देने का जो डिसीजन हमारे MCHI ने लिया उसके पीछे महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री नवी मुंबई रायगढ़ एंड यूथ एसोसिएशन मिलकर एक ऐसा निर्णय लिया गया कि कोविड के टाइम में जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके अपनी लाइफ की रिस्क लेकर भी बहुत ज़्यादा काम किया, अच्छे समय पे काम करने में हर आदमी को इंटरेस्ट रहता है, हर आदमी आगे आ जाता है, बट इस तरह की पैंडामिक जब आती है तब हर आदमी आगे आने की बजाय पीछे जाने की कोशिश करता है. बट इन वॉरियर्स ने दिन रात काम किया जिसके अंदर हमारी महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री जिसे हम शॉर्ट में MCHI कहते हैं उन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया और साथ में रहकर काम किया. हमने ये सोचा कि इन लोगों को किसी भी तरीके से सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है तो ही उनको एक इनकरेजमेंट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी और जो भावना से उन्होंने काम किया था उस भावना की मन में एक तसल्ली मिलती है उनको, उनके परिवार को कि इनको सम्मानित किया गया. मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब ने जिस तरीके से प्लान किया और जिस लेवल की मेहनत की और काम किया जिससे कोरोना को हम कंट्रोल कर पाए, जो उन्होंने NMMC ने एक स्कीम चलाई थी ब्रेक द चेन, वो एक्चुअली दे कंप्लीटेड द मिशन ब्रेक द चेन. एंड एक ऐसा दिन भी आया जब न्यू बॉम्बे में कोरोना बिल्कुल नहीं थी. इस बात की खुशी पूरे न्यू बॉम्बे को है और उस सेम खुशी में शरीक होने के लिए हम लोगों ने इन वॉरियर्स को अवार्ड देने के लिए प्रोग्राम बनाया. और जो मेन ऑफ द मैच थे जैसे कमिश्नर साहब हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे रायगढ़ कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब हैं, सिडको के MD साहब हैं, ये हमारे नवी मुंबई रत्न थे जिन लोगों के सुपरविजन में इतना कुछ काम हुआ. अगर वो ना इतनी इस तरीके से प्लान करते तो शायद हम इस मिशन ब्रेक द चेन को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकते थे. हमारे MCHI ने और शांतिलाल जैन ने, जैन बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने 30 एम्बुलेंसेस अरेंज किए हम सब ने मिलके, जो यहाँ पर हर गांव में जाके डोर टू डोर सर्विस देती थी. जहाँ जहाँ पेशेंट होते थे वहाँ जाके उनको घर पर सर्विस दिया करते थे, जो एक अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा मिसाल है जो न्यू बॉम्बे में कायम हुआ है. इस चीज़ के बारे में बहुत इनोसेंट लोग जानते ही नहीं है कि मिशन ब्रेक द चेन कैसे हुआ. उनको लगता था कि ऐसे ही ये कोरोना न्यू बॉम्बे में ख़त्म हो गई, बट इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत थी जो हम अभी लोगों को 27 तारीख को जो हमारा अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम है उसमें हम ये पब्लिक के सामने डिस्प्ले करना चाहते हैं कि मिशन ब्रेक द चेन कैसे कंप्लीट हुआ. जो काम इन्होंने किया है उनको सम्मानित करने के लिए तो किसी भी VIP को बुला के भी तो सम्मान किया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी हस्तियों से, इतने बड़े VIP लेवल के लोगों से सम्मानित कराना था कि उनके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट उनको महसूस हो. उसका हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी लेवल के लोगों को लाएँ कि उनको एक सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलनी चाहिए. हमारी टीम ने इस चीज़ को सर्वे किया है, स्क्रूटनाइज किया है कि एक्चुअल किस किस लोगों ने काम किया है. हमारे जो ग्राउंड लेवल पे सफाई कर्मचारी थे उनको भी नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लास्ट टाइम 30 महिलाओं को अवार्ड दिया था, अप्रिशिएट किया था. आई वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इन टू दैट. मैंने वहाँ जो देखा उन औरतों के आंखों से आंसू आए, खुशी के आंसू थे कि इतना बड़ा पुरस्कार हमको मिला. उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने ड्यूटी की. कोरोना में कोई आदमी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, लेकिन ये सफाई कर्मचारी बाहर निकले जिन्होंने सफाई को भी मेंटेन रखा, उनको सम्मानित किया गया. उस दिन से मेरे मन में आया
कि साहब ये तो बहुत बड़ा काम है। फिर MCHI ने ये प्रोग्राम बनाया कि अभी हम सब लोगों को जिन्होंने काम किया था उनको सम्मानित करेंगे। हम चाह रहे हैं बहुत बड़ी VIP लेवल के लोगों को बुलाएं, मिनिस्ट्री को बुलाया जाए तो उनको लगे गवर्नमेंट ने खुद आकर हमें सम्मानित किया। ये फील क्रिएट करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दो बड़े बड़े मिनिस्टर्स को हम रिक्वेस्ट करें कि वो ज़रूर आकर अपने हाथों से वो जो नवी मुंबई रत्न है उनको भी सम्मानित करें और उनकी टीम को अवार्ड देकर भी सम्मानित करें, तो उनके लिए एक लाइफ टाइम का हिस्ट्री रहेगा। चांगले काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली तर ती व्यक्ती जोमाने काम करते। व्हिडिओ जर्नलिस्ट वसीम काजी सह पंकज बेनवंशी यांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। सबस्क्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल बझिंग न्यूज।